नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बार फिर से चेहरा उजागर हो गया है आतंकवाद को लेकर के। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, ये जो कहावत है ये पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, 9 तारीख यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शाम को शपथ ले रहे थे तो दूसरी साइड पे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवाद की घटनाएं कर रहा है भारत में, दूसरे साइड उसके प्रधानमंत्री और उसके पूर्व प्रधानमंत्री भारत में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके लिए बधाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों समझाता हूँ कि पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने ट्विटर जो कि अब एक्स बोला जाता है उस पर एक मैसेज दिया है प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उनको बधाई दी है नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और साथ ही साथ ये बोला है कि जो साउथ एशिया में 2 अरब लोग रहते हैं यानी कि 200 करोड़ लोग जो रहते हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, ये नफ़रत को मिटाते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं, ये बात बोली है नवाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ को ये बोलते हुए शर्म नहीं आई कि आप बधाई दे रहे हो अभी, और इससे पहले उसी समय पे जिस वक्त प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे दूसरे साइड आप आतंकवादी हमला करा रहे थे और निर्दोष लोग की जान चली गई उसमें, जिसमें बच्चे भी हैं। सोचो, आतंकवादी फायर कर रहे हैं, बस अनियंत्रित हो गई, खाई में पलट गई, मतलब कुछ भी, एक तरफ बधाई दे रहे हैं। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत हो। बातचीत हो तो कैसे हो? बातचीत के लिए माहौल तो अच्छा होना चाहिए। भारत की स्पष्ट नीति है पाकिस्तान को लेकर के कि आतंकवाद की जो गोलियां चलती हैं उसके बीच में दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मतलब जब बंदूक से गोली आप चलाओगे तो हम बातचीत की टेबल पे आपके साथ कैसे बैठें? कोई मतलब ही नहीं है हम आपके साथ टेबल पे बैठें, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा देश है, हमारे देश की जनता है, उसकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें आप आतंकवादी घटनाएं करवा रहे हैं हमारे यहाँ। अरे, आतंकवादी घटनाएं हमारे यहाँ रुक जाएंगी, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, जो सोल्यूशन बेस्ट निकलना होगा निकलेगा, लेकिन ये नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान ने करवाया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई पहले दे चुके हैं। अब इनका ये जो चेहरा है ये बेनकाब हो चुका है। ये तो तय है दोस्तों कि जिन्होंने भी आतंकवादी घटनाएं ये अंजाम दी हैं इनके लिए दिन बुरे बहुत हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात हमारे यहाँ बोल दिया गया है। मतलब मंत्रिमंडल से ये आवाज़ आ चुकी है कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी दोषी हैं। जो हमारे अमित शाह जी हैं जिन्होंने कल शपथ ली है, इनके माध्यम से भी ये सूचना आ चुकी है कि बख्शा नहीं जाएगा। अब दोस्तों, ये तो तय है कि भारतीय सेना जो है इसका बदला लेगी, पूरे इलाके को उन्होंने घेर लिया है, ये जो इनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए वो अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, इनको जो जिस लेवल की चीज़ को ये समझते हैं वो चीज़ समझा दी जाएगी। लेकिन ये दूसरे जब नवाज शरीफ को ये बेशर्मी भी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बधाई दी, चलो ठीक है, बधाई हम एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन आपने उस आतंकवादी घटना के लिए क्या बोला? उसके लिए तो कुछ बोला ही नहीं, उसके लिए भी तो बोलना चाहिए। हमारे 200 करोड़ लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए, और जो लोग आतंकवादी घटना में मर गए उनके लिए नहीं बोलना चाहिए? तो ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि वो एक्चुअल में हमसे अच्छे रिश्ते चाहता ही नहीं है। अगर अच्छे रिश्ते हमसे चाह रहे होते तो वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना कर रहे होते, वो एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाते। इमरान खान पहले तो आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, फिर हमसे व्यापार पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, उनको लगता है कि व्यापार बंद करेंगे तो उससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की इकनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपसे बिज़नेस करें या ना करें, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ गया है। आपके यहाँ जिस लेवल की महंगाई हो चुकी है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंडिया के साथ व्यापार अच्छे हो रहे होते तो आपके यहाँ डायरेक्टली सामान इंडिया से जाता और आपके यहाँ चीज़ें सस्ती होती जो अभी बहुत महंगी हैं। दोस्तों अब इस पे देखते हैं क्या अपडेटेड न्यूज़ आती है, अगर कुछ अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।